ये पूरा का पूरा जलमहल है, कमरे बने हैं। तो मुझे लग रहा है जो राजा के यहाँ पे नौकर वगैरह थे उनके कमरे हैं ये। आने जाने के रास्ते में इंसान खो जाएगा इसमें। अभी इनकी दरवाजे थे इनपे हीरे जवाहरात लगे हुए थे। थोड़ी सी डिटेल आपको बता देता हूँ, इसमें बेल्जियम से शीशे आके लगाए गए थे इसमें। मत लेना वाई फाई तो बिल्कुल मत लेना फालतू खर्च। पानी पूरा जयपुर से लाके और यहाँ पे स्कूल में भर के तो घर से निकलते हैं। आमेर आ चुके हैं आज के डेट में, पूरे आमेर की छोटी से छोटी बारीक जो गाइज गुड मॉर्निंग। और जैसा कि आप मेरा फेस देख रहे होंगे, मैंने खुद भी मेकअप कर रखा है, अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, इसका मतलब मैं कहीं जा रही हूँ। तो वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग और न्यू जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, हम कहीं घूमने जा रहे हैं। जय हिंद दे रही हूँ कि हम जयपुर की सबसे बेस्ट जगह पे जा रहे हैं, जयपुर जिसके लिए जाना जाता है, हमारा जयपुर राजस्थान, हम उस जगह पे जा रहे हैं। और अभी नहीं बताती, बाद में बताती, ठीक है? ओके मिलते हैं, चलते हैं, पूरी पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे कैसे है। तो पहले वहां पहुंचने से पहले आप रास्ते देखो, एंजॉय। आ जाओ, यही रुको, यहाँ सही है। तो घर से निकलते हैं, आमेर आ चुके हैं आज के डेट में, पूरे आमेर की छोटी से छोटी बारीक जो चीजें मुझे पता है और गूगल करके आपको मालूम पड़ेगा, तो सारा का सारा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप देखना और व्यू को एंजॉय करना। कोशिश की मैं भी करूँगा कि जितना हो सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप तक पहुँचा पाऊँ। तो ब्लॉग का एंजॉय करिए और पूरा देखो यार दोस्तों, अगर शुरू कर दिया ब्लॉग ना तो पूरा करके जाना, काफ़ी मेहनत लगती है हर चीज़ को कम्प्लीट करने में। तो पूरा देख के जाना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल आइकन ऑल पर सेट करना, कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो का ऐसा कौन सा पार्ट है जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है। तो ब्लॉग की यहाँ से हम शुरुआत कर देते हैं, और हम भी हैं ब्लॉग में। तो आ चुके हैं आमेर के अंदर, आज हम आए हैं आमेर फोर्ट, आज आपको पूरा आमेर घुमाएंगे, आमेर की हिस्ट्री भी बताएंगे कि यह आमेर है और उसके पीछे जयगढ़ है। आज हम आमेर को एक्सप्लोर करेंगे और नेक्स्ट ब्लॉग में जयगढ़ को। तो चलिए, यहाँ से रास्ता भी है, नीचे जाना है, चलना है नीचे। ये रामबाग गार्डन है, जब यहाँ पे मूवी की शूटिंग होती है तो ये फुव्वारे फाउंटेन्स वगैरह जो लग रहे हैं सारे, ये टोटल चीजें चालू कर दी जाती हैं। पर यहाँ आप गूगल करोगे या कैसे भी देखता हूँ, अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं कोई मूवी का सीन होगा तो डालूंगा, नहीं मिलेगा तो कोई वो नहीं है। तो काफी मूवी की शूटिंग यहाँ पे हुई है इस गार्डन के अंदर, इस गार्डन का यूज हुआ है काफी मूवी के अंदर। सोचता हूँ कि क्या कारीगरी थी उस समय की, हमारे बनाए हुए मकान 15 से 20 साल के अंदर ऑलमोस्ट टूटने लग जाते हैं, और राजा महाराजा के बनाए हुए जो किले हैं वो आज भी उसी जैसे खड़े हैं, जैसे चट्टान के जैसे वो जब बने थे तब खड़े हुए थे। यहाँ पे पहले पुराने टाइम में हाथियों को रखा जाता था, इसको बोलते हैं फील खाना। अच्छा, ये जो जगह है पूरी, ये यहाँ पे हाथियों को रखा जाता था और यहीं से जो ये
कुंड देख रहे हैं, इसी को ही पानी को यूज कर लेते थे उनके लिए। बताओ माता जी को कुंड दिख रहा है ये। मैं कहा कि मेरे लिए कुछ ऐसा बनवाओ, तो उन्होंने क्या कहा, पानी पूरा जयपुर से लाके और यहाँ पे इस कुंड में भर के, मतलब तालाब जो भी बोलते हैं, लैंग्वेज थोड़ी अच्छी है, तो उनके लिए ये एक मतलब रहने का एक जनान खाना बोलते हैं उस तरीके का बनवाया था। और इसमें जो गार्डन है तो इसमें सोचा था कि केसर की खेती उगाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्लाइमेट कंडीशन या कुछ भी बोल लो तो उसे केसर नहीं उग पाया, तो इसे फूल का गार्डन बना दिया। ये इसकी हिस्ट्री है, मेरे हिस्ट्री में पंगा मत लिया करो। सुन लिया इसी बात पे, इनको लाइक कर देना मेरे को नहीं, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो। चलो 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 जल्दी चलो। हाँ जी बोलिए। वहाँ पे शॉपिंग करती है, रास्ते में जब आप चढ़ने लगोगे वहाँ से सीधा है घूम करके यहाँ से ऐसे ऊपर, और फिर रास्ते में से छोटी सी शॉप होती है, अगर आपको घर लेके जाने की कुछ निशानी में कुछ लेके जाना है तो इनसे जरूर बाइक कुछ ना कुछ खरीद लेना जो आपको निशाने के तौर पे लेके जाना हो। चकमा लाएंगे, मुझे इतना बड़ा मुंह नहीं है, उससे बड़ा तो चश्मा लगा घूम रही, देखा ना मुझे अपना इतना बड़ा मुंह नहीं है, उससे बड़ा चश्मा लगाइए। बच्चों को थोड़ी ये समस्या होती है, कहीं लेके निकल लो तो ऐसे सीढ़ियों का रास्ता है पीछे इनका, देखो डेंटिंग पेंटिंग चलती रहेगी, मतलब कहीं लेके निकल लो चीजें वैसी प्रॉपर होती रहती है। तो चलो धीरे धीरे चल रहे हैं। तो गाइड साहब बताओ बताओ, ये कह रही हूँ जब महल में पानी इसी तालाब से ही पानी लेके उस महल को सीढ़ियां जो दिख रही हैं धीरे 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 ऊपर महल पे पहुंचाया जाता है। अब सीढ़ियां कौन सी वो मैं बताता हूँ, वो देख रहे हैं ये स्टेप बनी हुई है, तो यहाँ से पानी यहाँ से खींचते थे और उस स्टेप से पूरा पानी नहीं थे, लेके जाते थे उनकी जो दासियाँ होती है। इनको इनको ज्यादा पता है, मतलब जिस टाइम पे ये तालाब था उसमें इतना फ्रेश था, इतना अच्छा था कि यही पानी पीने के यूज में आता है। फिर इनके जैसे लोग आने लग गए फिर गंदा कर दिया। जब भी आप आते हो यहाँ पे अगर ऐसे सिंगर मिलते हैं आप इनका गाना भी सुन सकते हो, सुनने के साथ में होता है ना जो भी, क्योंकि मेहनत करके ले रहे हैं तो जो भी आपका 10-5-15-20 जो भी आपको लगे ना वो जरूर दे करके जाओ। इसलिए असली राजस्थान तो इन्हीं में बसता है। रास्ता है वैसे पद चलने के लिए, पैदल पैदल चल रहे हैं ऊपर पहुंच रहे हैं। क्या चाहिए क्या चाहिए, हाथी चाहिए, जितना ऊपर जा रहे हैं जितना इसके पास पहुंच रहे हैं वैसे वैसे इसकी सुंदरता बढ़ती जा रही है। आप कभी भी इसको देखोगे ना फील ऐसा आएगा जैसे लग रहा है गोल्ड का बना हुआ है पूरा ये, और सोचो उस टाइम का ये पीले पत्थर से बना हुआ है, उस टाइम इसको बनाया गया था और आज भी इसका कलर इसकी इमारत टोटल वैसे के वैसे ही। चलो भैया इनको फोटो, एंट्री आ रही है सामने मेन जो है। मैं कभी ऐसी जगह पे आता तो सोचता हूँ कि किस समय उस टाइम का अगर व्यू, आप नया ना सोच के उसको पुराना सोचो और देखो सोचो कि आप देखने आ रहे हो राजा महाराजे वो हाथी घोड़े वो पुराने पोशाक वो अपना पुराना कल्चर जो आज भी भारत को पहचान के अलग श्रेणी में खड़ा कर देता है ले आकर के पूरे दुनिया में। ये पूरा मेन एंट्रेंस जब नीचे से ऊपर आकर के और यहाँ से महल के अंदर हमारी एंट्री होती है। तो चले अंदर पहुँचते हैं, अंदर पहुँच कर के फिर मिलते हैं। वाइफ को लेकर के मैं आया था अपना ब्लॉग कंप्लीट करने के लिए, पर हो रही रील्स बना रहा हूँ बैठ करके, आप कोई काम ना धंधा
जब भी हो कभी देखो भाई बैचलर अकेले आओ आराम से, अगर आपको ब्लॉगिंग कम्प्लीट करनी है ले सकते हैं, इसमें आप फोटो खिंचवा सकते हैं, ज्यादा रेंट मत लेना, वाईफाई तो बिल्कुल मत लेना, फालतू का खर्चा को बिल्कुल ही मत लेना। वैसे आप देखो तो यहाँ पे ऐसे भैया मिल जाएंगे, तो आप चाहो तो बाई कर लो, नहीं तो 10-10 रुपए में मिलती है, अपने फोटो सेशन आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो, तो कोई वो नहीं है, वापस दे दो वापस। एक मिनट करो करो, अभी तक हम सब वहाँ पे थे, चिली से हम जलेबी चौक है पहले वहाँ बैठा था, अब वहाँ से हम आ चुके हैं, वहाँ से रास्ता है प्रॉपर ऐसे ऊपर आता है, यहाँ से एंट्री होती है, ये अच्छा चलो इधर। देखो बहुत कुछ है बनेगा, देखते हैं आगे चल के, अगर कुछ चीज नोटिस की जाए ना, अगर आप गेट नोटिस करोगे तो देखोगे ये वही गेट है जिसको कभी राजा महाराजा ने अपने हाथों से छुआ होगा, मैं भी इसको छू रहा हूँ, वाह इससे ज्यादा क्या चाहिए। तो चीजें वैसे की वैसे ही है जैसे उन्होंने छोड़ी थी, बस ये कि हमने संभाल के रखी है, और मैं चाहूंगा कि अगर आप सब भी आते हो तो कोशिश करो कि यहाँ पर कुछ भी नाम वगैरह लिख करके ना जाओ, क्योंकि धरोहर है, उसको जितना हम संभाल के रखेंगे ये हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा, हम अपनी पीढ़ी के लिए छोड़ कर जाएंगे कि हाँ हमारे पहले संस्कृति कैसी थी और कैसे रहते थे। इसे ऐसे ऊपर आ सकते हैं, इसका भी फेयर होता है 1000-1200 रुपये, आप नीचे बार्गेनिंग करोगे तो वहाँ मालूम पड़ जाएगा। तो हाथियों से भी मतलब वही फील आती है जब राजा महाराजा हाथियों से सवारी करके ऊपर तक आते होंगे, सोच के देखो यहाँ पर आसपास में लोग खड़े और आप ऐसे बैठ के हाथियों से आ रहे हो और फूल की वर्षा कर रहे हो, वाह यार मतलब सोच के कितना अच्छा लग रहा है। चलो बहुत कुछ तो पूरा ज़्यादा सर हमेशा आगे रहता है, सोच के चलते रहते हैं, अब हम निकले यहाँ से पूरा टाइम का 40 रूम है यहाँ पे, वैसे 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 यहाँ पे ना 99 है, 99 ऐसे कुछ है, ये चीज़ें पकड़ के बोलते करते हैं, यहाँ पे रिपोर्टिंग करने की जगह है, वैसे करते तो बाकी समय जाना है ज़्यादा डीट। ये महारानियों का नहाने का कमरा था, अभी देखो जैसे व्यू का आनंद ले रही ना वैसे महारानी भी लेती हुई, यहाँ से वही बाहर से ठंड गर्म पानी अंदर आता था, वो लेते ना तो सनबाथ लेते हैं, तो यहाँ पे महारानी वगैरह सब बैठ करके सनबाथ किया करते थे इस पूरी जगह के ऊपर, यहाँ से सूरज हमेशा इधर से निकलता है, आप देखो अभी ऊपर की तरफ में तो यहाँ से सूरज निकलता था और इस पूरी जाली से यहाँ पे सनबाथ पूरी होती थी, यहाँ पे सनबाथ लेते थे और जो बाहर उधर से गर्म पानी आता है ये पूरा गर्म पानी यहाँ से अंदर आ करके और इसमें नहाने का पूरा सीन होता था। ये देखिए ये है तुर्की, ये दीवाने खास है, इसकी थोड़ी सी डिटेल आपको बता देता हूँ, इसमें बेल्जियम से शीशे आके लगाए गए थे इसमें, और जब ठंडी बहुत ज्यादा होती थी ना तो इसको ऐसा इस तरीके से बनाया गया था कि इसको गर्म करते थे और गर्म शीशों से रोशनी रिफ्लेक्ट होकर के इस पूरे एरिया को गर्म कर देती थी, जिससे यहाँ पे बैठे हुए लोगों को ठंड नहीं लगती थी, ये मतलब खास लोगों के लिए बनाया गया था। चलो अंदर से देखते हैं चल के, इसका नाम वैसे शीश में बोला गया और इसमें काफ़ी सारी मूवी की गई है, बेल्जियम से लाए गए थे और इसमें लगाए गए हैं। जो पत्थर आपको दिख रहे हैं फिर अभी तक नहीं, ये टोटल ये चमक रहे हैं ना ये शीशे हैं, जो उधर से रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए बनाया गया था कि रानी को ना दिन में तारे देखने की इच्छा होती है, तो उनके लिए ये शीशे महल बनाया गया, क्योंकि शीशे से बना हुआ है और इसका जो शीशा है उस टाइम पे बेल्जियम से मंगाया गया है। से आयो ये लोग कहाँ से हैं? पंजाब से। हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग, और इनको सपोर्ट करो, इनके चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो।
थैंक यू। कहाँ से आए हो? पंजाब से। कैसा लगा जयपुर? सर बहुत अच्छा। और जयपुर के लोग कैसे लगे? बहुत अच्छे। प्रॉपर जयपुर से ही है। तो आपने सुना है पंजाब से आए हुए थे, ये घूम रहे हैं, व्यू एंजॉय कर रहे हैं। तो जैसा कि इन्होंने कह ही दिया है, तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ऑन कर सकते हो, कमेंट जरूर करना कि कैसे लगते हैं व्लॉग आपको। अगर मुझे मिले जो ये भी पंजाब से हैं, नॉर्मली मुझे मिलकर बहुत अच्छा लगता है, खासतौर से पंजाब के लोगों से, क्योंकि इनका रहन सहन, बोली, खान पीन मुझे बहुत बहुत प्यारे लगते हैं। व्लॉग में मैंने इनको क्यों ले लिया, एक तो इन्होंने सब्सक्राइब किया था, सेकंड चीज पंजाब से जैसे मैंने बता दिया, थर्ड चीज ये अपने आप को अब हमेशा देख सकते हैं कि जयपुर आए थे तो एक छोटी सी प्यारी सी याद है। कुछ व्यू मैं रिपीट कर दे रहा हूँ उनके साथ। सब्सक्राइब करो, भाई को लाइक करो और वीडियो भी ज्यादा शेयर। बाय बाय। तो ये पूरा व्यू है जो इन्होंने साथ में एंजॉय किया। अंदर एंट्री की थी हमने यहाँ, फिर यहाँ से पूरा का पूरा ये पूरा पूरा रास्ता रहता है। और अब कहते हैं इनकी जो दरवाजे थे इन पे हीरे जवाहरात लगे हुए थे, अब वो निकलता जा रहा है इसलिए इसे कवर कर दिया है। और कहते हैं जो ये पेंट यूज करते थे, जहाँ पे भी ग्रीन जितने भी कलर यूज होते वो सब वेजिटेबल और नेचुरल कलर होते थे, कोई भी आर्टिफिशियल उस टाइम कलर नहीं होता, इसीलिए आज भी टिके हुए हैं। और भी अच्छा लग रहा है देखने में, शीश महल। ये इसके लिए बनाया गया था उस टाइम के अंदर। आप ध्यान से देखोगे, वैसे तो हम दिख रहे हैं पर ध्यान से देखोगे तो ये पालकी है पूरी की पूरी। हाँ अभी दिखी, इसमें पालकी है पूरी की पूरी कम्प्लीटली रखी हुई। अब क्यों पालकी क्यों रखी गई थी वो मैं आगे चल के बताता हूँ कि क्यों रखी हुई है वहाँ पे। क्योंकि जब मैंने रानी होती थी वो इतने ज़्यादा गोल्ड पहन लेती थी, तो वो गोल्ड के वजन और ड्रेस के वजन के कारण वो चल नहीं पाती थी, तो उस पालकी में बैठ जाती थी वो। और बैठने के बाद में एक बंदा रहता था, वही जिसको क्या बोलते, क्या बोलते हैं नौकर, सर्वेंट, सर्वेंट वगैरह जो उनके नौकर रहते थे, वो लोग खींच करके लेके जाते थे क्योंकि गोल्ड के वजन के कारण वो नहीं चल पाते थे। सोचा यार कितने टाइम से औरतों के नखरे आदमी उठा रहे, मतलब इतना गोल्ड बना के दे दिया इतना कि भाई वो उनको खींच के लेके जाना पड़ा। पहले से औरतों को ना बिगाड़ा गया है देखा जाए। ठंडा ठंडा रहता है वो, खर्च कैसे डाइवर्ट कर लिए चीजों को। एक बार सोच के देखो, पहले से लेना नखरे उठा के, मतलब महाराजा ने, मतलब इसको अलग वे में मत लेना, एक जोक का पार्ट है, महाराजा ने पहले से यार महारानी को इतना गोल्ड दिया, ये दिया वो दिया, इसके रिजल्ट आज हमको झेलने पड़ते हैं। चलो ऑलमोस्ट यहाँ पे ये कंप्लीट हो रही, पर मैं कुछ अच्छा दिखाने के लिए ऊपर लेकर के आया हूँ। हाँ अब अच्छे में क्या है, आप यहाँ पे बैठिए और यहाँ बैठ करके सुकून वाला, इनका तो अलग ही लगा रहता है। सोचो उस समय की नक्काशी में सबसे अच्छा मुझे क्या लगता है कि जो नक्काशी की गई ना वो इतनी प्यारी है, जिसका कुछ मतलब आप है ना शब्द नहीं जिसको बोल पाओ। सोचो यार उस समय बैठ करके कितना अच्छा व्यू एंजॉय किया, मतलब उस समय भी ना हम जो आज सोचते हैं कि हाँ यार हमें ऐसा डेस्टिनेशन ऐसी जगह होनी चाहिए, उस टाइम के अंदर भी ये था कि हाँ बैठो चाय पियो एंजॉय करो जगह को। धीरे धीरे अंतिम शिखर तक पहुंचते हुए, एक चीज बताए आपने सही गई थी, मैंने तो पता क्या प्लान बना के आई थी, ये वाला किला एक्सप्लोर करेंगे, ये महल और जयगढ़ भी आ गई, और अभी तक तो 12:30 हो चुके हैं, अभी तक आधा पार्ट भी नहीं घूम पाए, इतनी क्या बताऊं, शब्द ही नहीं है मेरे पास। छत पे घूम रहे हैं अभी, आगे चलते हैं और अच्छी अच्छी चीजें देखते चलते लगे हुए हैं यार। क्योंकि देखो जयगढ़ के अंदर है ना एक तरह से ब्लॉग करना बहुत हार्ड है, पता नहीं चलता कब कहाँ से घुस के कहाँ निकल जा रहे हैं, तो चीजें कुछ है यार। अब देखो यहाँ पर नई जगह, इतनी जगह है यहाँ पे महल के अंदर इतनी ज्यादा कि हो जाएगा इसमें। ये बोल रही थी नक्काशी जो लोग करते यहाँ पे ज्यादातर जगह है ना इसलिए बंद हो गई। अब जैसे ये कोई लिख के चला गया तो इस एरिया को भी फिर बंद कर दिया जाएगा।
मैं यंग और यूथ से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप आते हो तो ऐसे हिस्टोरिकल पैलेस को कभी खराब मत करो, क्यों ये एक धरोहर है और अगर हम इसको आज नहीं संभालेंगे ना तो आने वाली पीढ़ी को कुछ नहीं मिलेगा। अब ऐसे जो भी नाम लिखे हुए हैं इससे क्या हो जाएगा, उनका प्यार अमर हो जाएगा, मतलब समझ में कुछ काम ऐसा करके जाओ कि अमर हो जाए। तुम नाम यहाँ लिख ले लो, अब ये देखो यहाँ पे किसी ने लिख दिया। कुछ ऐसी जगह मिली मुझे कि आपको मैं क्या बताऊं, ये दास दासियों के कमरे हैं जो मतलब वो रहते थे काम करते थे, ये उनके हैं। अब देखो छोटे छोटे कमरे हैं पूरे, बहुत छोटे छोटे साइज के। एक और है ये बाहर बैठने के लिए चबूतरे हो गए, यहाँ पे बैठते थे बाहर चबूतरे पे। और एक कमरा ये है जिसके अंदर सोने के लिए पूरी बनी हुई है, उधर वेंटिलेशन के लिए हवा बना हुआ है, वहां से हवा प्रॉपर आती थी बाहर। मतलब बहुत सही यार, इतना क्लासिक बनाया ना कि मतलब आदमी को टेंशन ही नहीं है ना गर्मी की ना कोई चीज की। ये लाइन से दिख रहे हैं, ये गेट दिख रहे हैं, सारे लाइन से कमरे बने हैं। तो मुझे लग रहा है जो राजा के यहाँ पे नौकर वगैरह थे उनके कमरे हैं ये, टोटल लाइन से उनके बने हुए हैं। और कारीगरी वही लाजवाब देख रहे हो, कट्स वगैरह जो भी आज तक पूरे कम्प्लीट है। ये तो मुझे लग रहा है कि रिकंस्ट्रक्शन हो गया पूरा, उसे दोबारा बनाया गया है। और ऊपर का जो लाल कलर आ रहा है दिख रहा है, कैमरा पता नहीं कितना जज कर पा रहा है, पर मुझे लाल कलर आकर के घूमना ही है। कैमरा मैन मतलब कोई भी व्लॉगर इसको पूरा नहीं दिखा सकता, उसका तेल निकल जाएगा पूरा दिखाने में। इतना ही घूमते घूमते आए हैं, अभी पूरा एक्सप्लोर करते हो जैसे आप देखते हुए आ रहे हो। और मुझे लगता है कुछ ना कुछ पार्ट इसमें ज़रूर मिस हो जाता है, हम चाह के भी कंप्लीट नहीं कर सकते। तो अगर आपको सच में इसके व्यू के मज़े लेने हैं ना और देखना है सामने इसको, इस दीवारों को छू के फील करना है कि जब महाराजा और ये सब थे तो कैसा था, क्या क्या चीज़ें फील होती थी, तो उसके लिए जयपुर आपको आना पड़ेगा। जयपुर आने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, आप ठंड में आओ, ठंड में एक्सप्लोर करेंगे आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। गर्मी में तो वैसा भी इतनी गर्मी होती, अच्छा ठंड में और बारिश में बहुत प्यारा व्यू हो जाता है यहाँ पे घूमने लायक। ऊपर ऊपर का अंदर का जितना था हमने व्यू देख लिया है, देख करके निकल गए बाहर। बाहर देखो वैसे इसमें कुछ पक्का तो नहीं है, की शूटिंग जब हुई थी उसके लिए कढ़ाया रखा था ये, मतलब उस टाइम का है, मतलब 10 साल 12 साल पुराना है, ओरिजिनल नहीं है, मतलब इसमें कुछ पक्का नहीं है और शूटिंग के टाइम का इसमें बस रखा गया था। तो इतनी बड़ी बड़ी कढ़ाई डाल दो इनकी पकौड़ी बन जाएगी, गुन्नू की पकौड़ी बन जाएगी, पकौड़ी पप्पा ये दिखा दो पप्पा वो। ये यहाँ का मीना बाजार है, छोटा सा और अच्छा है। बैठ गया था कुछ नहीं वापस से। देखो दोस्तों पूरा आमेर घूम के आ चुके हैं और चलते चलते हालत पंचर हो गई। आप आते हो देखो, मैं तो लोकल रहता हूँ तो मेरे को सब कुछ पता है, तो मैं घूमा हुआ हूँ यहाँ पे। आप आते हो तो गाइड ऊपर कर लो आप, यहाँ पे नीचे 100 रुपये मिल जाएगा, ऊपर 200 रुपये वाला गाइड मिलता है जो पूरा चीज में लगा रहा है प्रॉपर दिखाएगा। नहीं नहीं, दो गाइड मिलते हैं यहाँ पे, एक गेट से एंट्री करेंगे तो अपने बार्गेनिंग कर लेना, वो लेके भी जाते हैं। बट अंदर से शीश महल के आप जाओगे तो गवर्नमेंट गाइड ही मिलेगा, तो उसको आप ले लो तो ज़्यादा बेटर है, 200 रुपीज़ चार्जेस है उनका फिक्स है। बट जो लोकल मतलब लोकल है उसका बार्गेन कर सकते हो, लेकिन 150 से नीचे नहीं आता है। बट वो चीज़ें भी बहुत दिखाता है, वो वर्थ इट होती है। पहले हम लोग जब फर्स्ट टाइम आए थे तो हमने गाइड ही किया था, और अब सेकेंड टाइम है सारी चीज़ें देखी हुई थी, सब कुछ पता था, तो नहीं किया गाइड। लेकिन फर्स्ट टाइम उसका तो ब्लॉग नहीं बना पाए, हम ब्लॉगिंग ही नहीं करते थे। तो आप अगर आओ तो गाइड जरूर लो, क्योंकि गाइड के बिना आप नहीं एक्सप्लोर कर पाओगे। बिल्कुल, मैं देखो हम लोकल हैं, कभी मुंह उठा के पहुंच जाते हैं यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप आ रहे हो और एक बार देखने के बाद में आपको लगे यार वो किसी की वीडियो देखोगे, अरे ये भी था हमने तो देखा नहीं, तो गाइड कर लोगे 200 रुपये लगते हैं, सोच लेना कि थोड़ा सा खर्च हो गया। गाइड करने का प्रॉफिट क्या निकल जाता है कि कम से कम गाइड करने के बाद में आपको सारी चीज़ें डिटेल में मिलती है, तो गाइड जरूर करके जाना। बाकी चॉइस आपकी, मेरा काम था जो मैंने आपको बताया। आप थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, रेस्ट करके थोड़े बाद में जलमहल के लिए निकलेंगे, तो उसका भी थोड़ा सा व्यू इन्जॉय करते निकलेंगे। फिर एक चीज़ और, मतलब गेट से एंट्री करने से पहले भी गाइड मिलते हैं, जीप बोलते हैं, वो बहुत कॉस्टली बोलते हैं, 1,000, 500, 600, तो उन पे मत जाओ, क्योंकि फोर्ट इतना बड़ा नहीं है कि आप चल नहीं पाओ, ज़्यादा नहीं है, बस सीढ़ियाँ थोड़ी बहुत है, चल लोगे आराम से। बट बाहर अगर आप जीप कर लोगे तो आई थिंक वर्थ इट नहीं होगा। अंदर आके गाइड करो, और शीश महल जाने के लिए दूसरा गाइड करो, तो वो सारी चीज़ें बताएगा, बाहर नहीं। तो
तो वो वर्थ इट नहीं रहेगा। मिलते हैं। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं जलमहल के अंदर, आमेर को पूरा व्यू कंप्लीट कर लिया था, अब जलमहल है। तो थोड़ा सा जलमहल के बारे में आपको बता देते हैं। नॉर्मली जैसे आप हमेशा सोचते हो कि हाँ यार यहाँ पे पानी वानी की प्रॉब्लम होती है, ग्रीनरी कम होती है, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। ज़बरदस्त पानी है यहाँ के ऊपर और बहुत अच्छी ग्रीनरी भी है, हरियाली लाजवाब। तो थोड़ा सा आपको दिखाते हैं कि जलमहल वैसे रात में देखने में बहुत अच्छा लगता है, पर आज दिन में जलमहल में आया भाई। शाम हो गई थी, शाम तो क्या 2 बज रहे हैं अभी। ये पूरा का पूरा जलमहल है, जहां तक नजर जाएगी वहां तक पानी ही पानी है। मगरमच्छ भी है ना? हाँ, इसके अंदर मगरमच्छ भी है, इसके कारण से बोटिंग वगैरह नहीं होती है। पहले होती थी ना, अब आई थी सर, बंद हो गई होती मतलब। बोट घूम तो रही है। उतना परमानेंट डूबा ही हुआ है। डूबा हुआ है उसमें, क्या नाव से चले जाते थे इसके अंदर। अच्छा तो चार तो पानी पानी है। और ये स्टॉल्स भी यहाँ पे खाने पीने की भी हैं, फोटो वगैरह भी यहाँ पे होते हैं, आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और काफी जो पहले देख रहे हो टोटल पूरी स्टॉल्स ही लगी हुई है यहाँ पे। और बाकी जो व्यू है ये प्यारा सा आपके सामने है। शाम को कभी आना आप तो शाम को आना, क्योंकि शाम को बहुत अच्छा होता है यहाँ पे, ठंडी ठंडी हवा आती रहती है और बहुत अच्छा देखने में लगता है। आमेर देख लिया, अब एक बार और आएंगे जब इसमें जयगढ़ देख करके जाएंगे। तो अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं, नए नए देख रहे हैं, तो जयगढ़ इससे भी आएगा शानदार, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत ही यूनिक चीज़ रखी हुई है जो दुनिया में दोबारा कुछ और नहीं है, मतलब दूसरी बनी ही नहीं है वैसी, इतनी यूनिक चीज़ है वहाँ पे। अगर आप देख के गए हो तो कमेंट करके बता देना भाई क्या किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, और नहीं देख कर गए हो तो वेट करो, जल्दी ही जयगढ़ का ब्लॉग आएगा, उस ब्लॉग के अंदर सारी चीज़ें मैं विस्तार से बताऊंगा क्या है कैसे है और किस तरीके से वो चीज़ें हैं। तो चलते हैं, इस ब्लॉग को मैं यही समाप्त करता हूँ। आशा और उम्मीद करता हूँ आपको मेरे ब्लॉग बहुत पसंद आ रहे होंगे। तो पसंद आ रहे होंगे तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना। ये जरूर बताएं वीडियो का ऐसा कौन सा पार्ट आपको बहुत 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 पसंद आया, उससे क्या मुझे भी प्रोत्साहन मिलता है, मुझे लगता है जो मैंने मेहनत की थी वो सफल हुई है। और अब जो आने वाले ब्लॉग्स होंगे देखो, अब तो हमें आपने देखा है जयगढ़ का ब्लॉग आएगा, और इससे बहुत इससे मतलब 10,000 ब्लॉग ज़्यादा अच्छा आने वाला है, तो उसका भी इंतजार करिए, जल्दी वो ब्लॉग पे आपको मिलने वाला है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी।